हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वसीउल्ला। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ जिसमें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि हम कोई भी विंडोज़ बासानी से कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम डीवीडी या सीडी विंडोज़ की 7, 8 या 10 ख़रीदते हैं तो वो रजिस्टर नहीं होती। तो वो हम विंडो कर तो लेते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप में, लेकिन हमारी विंडो रजिस्टर नहीं होती। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि विंडो कैसे रजिस्टर करते हैं। सबसे पहले आप आइए अपना ब्राउज़र ओपन करें और यहाँ पे लिखें के एम एस पी को। ये एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम विंडो रजिस्टर कर सकते हैं, या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्लिक कर दें। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि इससे हम अपना जो है एम एस ऑफिस वर्ड वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो डाउनलोड पे यहाँ के ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से डाउनलोड करें आप इस सॉफ्टवेयर को। डाउनलोड, मेरे पास तो ये सॉफ्टवेयर पहले से डाउनलोड है लिहाजा मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा। ठीक है, आप इसे अब यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास स्क्रीन पे पड़ा हुआ है, ये देखें, इसे हम ओपन करते हैं। ये देखें, नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट कर दें, फिर नेक्स्ट कर दें। और ये अब पूछ रहा है कि अगर आप मतलब स्टार्ट मेन्यू में अपना जो है इसका शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें तो नहीं होगा शो। अगर यहाँ पे हटा देंगे तो इसका आइकन जो है स्टार्ट मेन्यू में यहाँ पर शो हो सकता है। ठीक है गाइस, इस पर नेक्स्ट कर दें। ये देखें, इंस्टॉल हो रहा है सेटअप। इसके इंस्टॉल होने के बाद हमारी जो विंडो कंप्यूटर में या लैपटॉप में की हुई है वो रजिस्टर हो जाती है। ये देखें, ये फिनिशिंग इंस्टॉलेशन। थोड़ा हेवी सॉफ्टवेयर है, इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और मैं बताता चलूँ, मेरा चैनल है यूट्यूब पे ग्लोबल टेक्निक्स के, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक हमारी वीडियोस शेयर करें। और मैं नई नई अपडेट्स अपने चैनल पे रखता जाता हूँ, आप हमारा चैनल विज़िट करते जाएं और नई नई अपडेट्स से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं आप। ये थोड़ा टाइम ले रहा है लेकिन इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब परेशान मत होना। ये इंस्टॉल हो गया, ये देखें। अब आप अपने कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके देख सकते हैं कि आपकी विंडोज़ जो है एक्टिवेट हो चुकी होगी। ये देखो, ये लिखा आ रहा है विंडो इज़ एक्टिवेटेड। अब कभी भी आपकी विंडो एक्सपायर नहीं होगी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।